अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं विकम आरआर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुपर इंडिया बॉस में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर दोस्तों ये आज की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, अगर आप जैसे टेंट का काम है आपका, तो टेंट ज़्यादा 2-4 साल चलने के बाद में गंदा हो जाता है, तो उसके कपड़े को हम कैसे साफ़ करें। उसके पर्दों पर चिकनाई के दाग लग जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उस पर्दों से ही हाथ पोंछते हैं तो पर्दों पर चिकनाई का दाग लग जाता है। उसे कैसे साफ़ करें, हम टेंट के कपड़े एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं तो उन्हें कैसे साफ़ करें, और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामान डालते हैं उसमें साफ़ चिकनाई के दाग निकालने के लिए। दोस्तों, वैसे तो ये चिकनाई के दाग आसानी से नहीं जाते हैं, और आज हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं चिकनाई के दाग कैसे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और वीडियो को पूरी वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और चलकर वीडियो को और सामान को देखते हैं। हम पहले सामान दिखाते हैं आपको, सामान क्या क्या लगता है उसमें, तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने सामान की तरफ, जो हमें सामान इसमें लगाना है। सबसे पहले तो हम अपना लेंगे एक मास्क, जो ये जो हमारे लगाने के लिए यूज होगा, मैं बताऊंगा ये किसमें किसके लिए है। और इसमें है दोस्तों, मैंने लिए है इसमें साटरी, इस साटरी को हम यूज करेंगे। और इसमें है दोस्तों मेन सामान जो कपड़े की चिकनाई को निकालता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। और ये है हमने जो घरेलू सरफ जो यूज घर में यूज करते हैं। और दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का कोई भी सरफ सरफ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सरपंच वाला आयोडीन नमक यूज किया है इसमें साफ़ करने के लिए, और इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, और वीडियो में बने रही है दोस्तों। तो अब चलते हैं। वैसे तो मैंने दोस्तों यहाँ पर अभी ये सामान ले लिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैंने काफ़ी सारा पानी, कई सारे ड्रम भरे रखे हैं, क्योंकि लाइट का कुछ ऐसा ही है, चला गई तो लाइट फिर पानी भरना पड़ता है बाद में। और अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे हमें सामान को यूज करना है, वीडियो में बने रहिए। पहले हम एक खाली ड्रम ले लेते हैं जिसमें हमें ये सामान को घोलना होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये खाली ड्रम ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी है, और हमने ये मेन सामान को चलाने के लिए ये एक लकड़ी ली है। लकड़ी की सहायता से हम सामान चलाएंगे यहाँ पर, ये इसमें जो भी हम डालेंगे इस लकड़ी की सहायता से हम चलाएंगे इसमें। तो आपको वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें मेन सामान अपना, जो कपड़े की गंदगी को निकालता है। तो बने रहिए आप वीडियो में, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ कैसे कैसे सामान डालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना मास्क लगा लेंगे, क्योंकि इसमें मेन सामान डालेंगे तो इसकी गंद आएगी हमें। तो सबसे पहले हमने मास्क लगा लिया है अपना, और दोस्तों अब इसमें हम अपना मेन सामान डाल रहे हैं जो हमें कपड़े की गंदगी को निकालता है। तो इसमें अब हम जितना उतना लेकर आए हैं जितना हमें मात्रा में चाहिएगा, तो हमने ये सारा का सारा इसमें डाल दिया है। आपको मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, जितना आपको चाहिए उतना ही लेकर आएँ, अन्यथा ये घर में धरा रहता है तो बच्चे कभी हाथ इसमें डाल दिया तो नुकसान भी हो सकता है। पहले अब हम इसको चला लेंगे, मैं चला रहा हूँ इसको। और अब हम इस दूसरे नंबर पर इसमें साटरी डाल देंगे, ये हमने साटरी ली हुई है दूसरी पिन्नी में, तो इसको हम डाल देंगे। ये हमने इसमें अब डाल दिया है। अब दूसरे तीसरे नंबर पर अब हम इसमें जो आपने आयोडीन नमक जो यूज किया है, जिसको भी यूज करना चाहते हैं, अब आप इसमें वो डाल देंगे। मैंने ये सारा का सारा इसमें डाल दिया है, और अब इसमें मैं डालूंगा चौथे नंबर पर सरफ। इस सरफ को हम डाल लेंगे अब इसमें, जितनी मात्रा में आपको चाहिए आप उतनी मात्रा में डाल सकते हैं।
और अब हम इनको एक साथ सबको घोल लेंगे, अच्छा सा घोल बनाएंगे। और फिर इसमें हम पहले थोड़े कम पानी मात्रा में घोलेंगे, फिर इसको बाद में हम मात्रा बढ़ा देंगे पानी की, ताकि हमारे कपड़े गले नहीं। अगर आप इसको कम पानी में कपड़े डाल देंगे तो कपड़े गल जाएंगे, अगर ज़्यादा पानी में घोलेंगे तो फिर घुल नहीं पाएगा, इसलिए आप थोड़े पानी में घोलें पहले से। इसलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाते हैं, फिर पानी बढ़ाकर कपड़े डाल देंगे इसमें। दोस्तों अब इसमें हमने पानी बढ़ा दिया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी तो ऊपर तक झाग आ गए हैं इसमें, ये झाग बन गए हैं। और ये हमारी लकड़ी है, हमने अभी लकड़ी की मदद से ही चलाया है इसको ऊपर तक। अब इसमें पानी भर दिया और अब हम इसमें कपड़े डालेंगे। कपड़े डालने के बाद में कुछ देर के लिए गरा देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कपड़े कैसे डालते हैं फिर इसमें, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों इसमें हमने अपने टेंट के कपड़े डाल दिए हैं और अभी इसमें हम और डालेंगे, देख सकते हैं इस तरह से कपड़े डाल दें इसमें। तो दोस्तों आधा पौन घंटा हो गया अब इन्हें गराए हुए मुझे, अब मैं इसे खूंदता हूँ यहाँ पर। अब हम इसे खूंद लेंगे, खूब साफ कर लेंगे, खूंदेंगे, अब इसमें घुस जाएंगे हम, घुसकर खूंदेंगे इसे, खूब खूंदेंगे खूब देर तक, ताकि इसकी जो गंदगी है चिकनाई के दाग हैं वो निकल जाएं। और मैंने एक ये पर्दा इसमें से निकाल कर ये इसमें डाल दिया भगोने में, ताकि एक एक करके हम इसे साफ़ कर लें। और देख सकते हैं आप इसे, हम मैं भून रहा हूँ, ये साफ़ हो जाएगा। फिर अब हमें इसे धोकर मैं आपको डालूँगा, देखाऊँगा कैसे साफ़ हो गए हैं। देखो ये खूब गंदगी निकल रही है, आप इसे देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो चुका है ये। तो अब इसे हम साफ़ कर लेते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो आप इसमें घुस कर आओ, फिर आप इसे मिट सकते हैं, पहले नहीं घुसना ना, पहले आपको हाथ लगाना है इसमें। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो मेन सामान था हमारा आपका, हमने जो इसमें सबसे पहले डाला था वो था हमारा कास्टिक, जो कि इस कपड़े के चिकनाई को निकलता है, चिकनाई के दागों को निकलता है, गंदे मैल को निकलता है। तो आप कास्टिक का उसी मात्रा में यूज करें, एक ड्रम में 100 ग्राम डालें, ये सिल्वर का ड्रम है, एक ड्रम इसमें मैंने 100 ग्राम डाला था। ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो कपड़े को गला भी सकता है, ज़्यादा गला देगा, तो आप उसी थोड़ी मात्रा में डालें, ज़्यादा मात्रा में ना डालें। तो आपको मैं आप कपड़े धोकर दिखाऊंगा, थोड़ी देर में सुखाऊंगा अब। तो अभी मैं धो लेता हूँ इन सभी को, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों कुछ कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और ये अभी कुछ रखे हैं, तो मैंने कहा मैंने थोड़ा सा शॉर्ट और बना दूँ आपके लिए। तो ये हमारा मेन गेट है, एंट्री मेन गेट, तो ये यहाँ पर भी सुखा दिया है मैंने धोकर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े मैंने छत से नीचे लटका दिए हैं, देख सकते हैं आप इधर, ये कपड़े बिल्कुल एकदम साफ हो गए, चमक गए हैं। इसी तरह आप अपने टेंट के कपड़े को साफ कर सकते हैं, अब काफ़ी सुंदर हो गया है। तो इसी तरह आप अपने टेंट के कपड़े को साफ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं दीवार पर लटके हुए हैं कपड़े। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो देख ही ली है कैसे साफ़ करते हैं, वैसे आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि कितनी भी कास्टिक वगैरह ज़्यादा हम डाल लें या कम डाल लें, अगर आप कपड़े ज़्यादा गंदे हो गए तो उसकी चिकनाई मुश्किल से ही निकलती है, नहीं भी निकल सकती है, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई के कपड़े फिर साफ़ नहीं हो पाते कास्टिक से भी। तो आप आपके लिए बेहतर रहेगा आप नया कपड़ा खरीद लें, और अच्छा रहेगा कि जब आप नया कपड़ा ख़रीदते हैं तो पार्टी को भी अच्छा लगता है कपड़ा, नए पार्टी जो है नए सामान की तरफ भागती है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप ज़्यादा गंदा हो जाए कपड़ा तो नया कपड़ा ज़रूर ख़रीद लें।
थैंक यू सो मच।